नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। यूपीएससी की आईईएस परीक्षा में नवादा की अर्चना ने मारी बाजी। यूपीएससी की आईईएस के 32 पदों के लिए हुए इस परीक्षा में नवादा की अर्चना ने 16वां रैंक प्राप्त कर अपने साथ साथ समूचे जिले का नाम रोशन किया है। जिनको नहीं पता है उन्हें हम बता दें, आईईएस इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज की परीक्षा है और इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो अर्थशास्त्र से स्नातक उत्तीर्ण हो। वहीं अगर हम अर्चना के पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो आईईएस में 16वां रैंक प्राप्त करने वाली अर्चना के पिता राजेंद्र प्रसाद एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं। यूपीएससी मेंस के रिजल्ट की हुई घोषणा। संघ लोक सेवा आयोग की मेंस के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अब सभी चयनित छात्रों को इंटरव्यू राउंड के लिए 27 जनवरी से बुलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 896 पदों पर नियुक्ति की मांग की गई है। इसी के साथ अब परीक्षा में शामिल हुए सभी परीक्षार्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार कैबिनेट ने 9वीं की पढ़ाई के लिए 409 करोड़ की दी स्वीकृति। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने कक्षा 9वीं की पढ़ाई का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए राशि आवंटित कर दी है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी पंचायतों को 409 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई है, जिसमें की फिलहाल 329 करोड़ रुपए तत्काल सभी पंचायतों को दे दी गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई है। बिहार में अब जल्द ही नई पेंशन योजना की होगी शुरुआत। सभी पेंशन धारकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने सभी पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से नई पेंशन स्कीम की पुनः संचालन की मांग पर मुहर लगाई है। कुछ समय पहले लाई गई CFMS पेंशन योजना के संचालन में कुछ परेशानियों के कारण पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से लगभग 9 महीने तक सभी कर्मचारियों को पेंशन के लाभ से वंचित रहना पड़ा। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने इस नई योजना का शुभारंभ किया है। अगले 3 दिनों तक ठिठुरन से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इस बार ठंड अपना असर ऐसा बरपा रही है कि लोगों की परेशानी का यह मुख्य कारण बन गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पछुआ हवा के कारण अभी आने वाले 3 दिनों तक ठिठुरन इसी तरह से लोगों को परेशान करने वाली है। वहीं अभी रात के कोहरे से भी निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा अगर हम तापमान की बात करें तो सोमवार का दिन 16 डिग्री के साथ इस साल का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा। 8वीं पास अभ्यर्थी भी अब कर सकेंगे नौकरी। बिहार के सभी 8वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक नई स्कीम का आह्वान किया है, जिसके तहत अब 8वीं पास अभ्यर्थी को प्लम्बर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कारपेंटर, पेंटर आदि की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। अभी तक इन पदों के लिए केवल 10वीं पास अभ्यर्थी को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था, मगर अब सभी सरकारी और प्राइवेट औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान ने 8वीं पास अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने का निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार अब गरीबों को देगी उनका आशियाना। जल्द ही हर गरीब के सर पर छत होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से छूटे हुए योग्य 32.86 लाख गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने वर्तमान में 120 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव पर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई है। सेना बहाली परीक्षा के लिए जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। सेना बहाली परीक्षा की लिखित परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सेना बहाली के लिए होने वाले इस लिखित परीक्षा में अब परीक्षार्थियों को कुर्सी और बेंच पर बैठाकर परीक्षा ली जाएगी। पहले यह परीक्षा खुले मैदान में ली जाती थी, मगर इस बार यह परीक्षा कमरे में कुर्सी टेबल पर ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, सेना बहाली की यह लिखित परीक्षा चक्कर मैदान में 19 जनवरी को आयोजित की गई है। फास्टैग रहित गाड़ियों की परेशानी बढ़ी। बिहार सरकार द्वारा बार बार आम नागरिकों को गाड़ियों में फास्टैग की सुविधा लगवाने की अपील करने के बावजूद जिन भी गाड़ियों ने अब तक अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है, अब उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अब नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर नकदी का कारोबार कल यानी कि 15 जनवरी तक ही सीमित कर दिया गया था, जिसके तहत अब हर टोल प्लाजा पर मात्र एक ही काउंटर नकदी के लिए खुला रहेगा। बाकी सभी काउंटर से फास्टैग वाली गाड़ियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता के लिए 19 जनवरी को बनाई जाएगी अब तक की सबसे बड़ी श्रृंखला। जल जीवन हरियाली योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न जिलों का दौरा कर इस योजना को सफल बनाने का काम किया है। वहीं अब इस योजना के तहत दूसरे पड़ाव में बनने वाले श्रृंखला को लोगों तक पहुंचाने की बारी है, जिसके तहत 19 जनवरी को बिहार सरकार अब तक के सबसे लंबे यानी कि लगभग 16,351 किलोमीटर लंबे श्रृंखला का आयोजन कर रही है। या तो इस श्रृंखला के जरिए राज्य सरकार लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करेगी, साथ ही साथ इस योजना को सफल बनाने की अपील करेगी।
मैट्रिक के प्रवेश पत्र में अगर फोटो में है गड़बड़ी तो जल्द ही कर ले ठीक। बिहार बोर्ड में जल्द ही मैट्रिक परीक्षा का आयोजन होने वाला है। परीक्षा शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से अपने एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि का सुधार करने की अपील की है। इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अपनी फोटो का खास ध्यान रखे और अगर किसी भी तरह की कोई गलती है तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र इसका सुधार कर ले। जमुई के गिधेश्वर स्थान में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जमुई जिले के खैरा प्रखंड में गिधेश्वर स्थान है जहां पर भगवान शिव का मंदिर है जिसे त्रेता युग का बताया जाता है। इस जगह की एक रोचक कहानी यह है कि जब रावण सीता को लेकर अपने साथ लंका जा रहा था तब इसी स्थान पर गिधराज जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी। बाद में श्रीराम को सीता जी का पता बताने के बाद जटायु ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। श्रीराम ने गिधराज जटायु का अंतिम विदाई की थी, उसी स्थान पर शिवलिंग बनाया और पूजा की। कहा जाता है कि वही शिवलिंग आज भी इस मंदिर में स्थापित है। गिधेश्वर स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती देखने बनती है। पहाड़ों, पेड़ पौधे एवं तालाब के साथ ही यहां कई अन्य मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। प्रभाकर शरण भारत के पहले इंडियन लैटिन अमेरिकन हीरो हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ लैटिन अमेरिका के फिल्मों में भी काम किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभाकर शरण 18 साल बिहार में व्यतीत करने के बाद अमेरिका के कोस्टा रिका चले गए थे जहां पर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। उनकी दिन रात की मेहनत ने ही उन्हें बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई, जिसके बाद उन्हें मस्तीखोर फिल्म में काम करने का मौका मिला। कम उम्र में करवा रहे थे शादी, छात्रा ने किया विरोध, या कारनामा कर दिखाया बांका जिले की ललिता कुमारी ने। ज्ञात हो कस्तूरबा विद्यालय शुंभगंज में पढ़ने वाली ललिता के पिता आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसकी शादी कम उम्र में ही करवाना चाहते थे, मगर ललिता पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहती थी, जिस पर छात्रा ने अपने परिजनों के इस फैसले का विरोध किया और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो शादी नहीं करेंगी बल्कि पढ़ लिख कर देश की सेवा करेंगी। छात्रा के इस साहस के लिए जिलाधिकारी ने उसे सम्मानित भी किया। नीतीश कुमार के बयान पर संजय झा ने दी अपनी सफाई। लोकसभा और विधानसभा में कैब के समर्थन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में एक दिवसीय बुलाए गए विशेष सत्र में कहा था कि सीएए और एनपीआर पर चर्चा होने की आवश्यकता है और जहां तक बात एनआरसी की है तो उसको लागू होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दोहरे रवैये पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि आज भी जदयू उसी स्टैंड पर है जिस पर वो लोकसभा और राज्यसभा में थी। हमारी पार्टी का सीएए को लेकर नेतृत्व क्लियर है। राजद विधायक पहुंचे नीतीश कुमार के भोज में। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा के भोज में जदयू द्वारा बुलाए गए मेहमानों का आना जाना तो दिखाई। राजद विधायक फराज फातमी की उपस्थिति सभी को आश्चर्यचकित कर गई। फराज फातमी तो भोज का हिस्सा बने ही साथ ही साथ राजद पार्टी की खूब बुराई भी की। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर की टिप्पणी। इस चुनावी साल में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव की तैयारियों का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। ऐसे में नेताओं की एक दूसरे पर टिप्पणियों का आना भी स्वाभाविक है। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए एक कविता के जरिए कहा है कि देश में रोजगार घटे हैं तो उनकी जगह महंगाई आसमान चूम रही है, आम नागरिकों की आजादी छिन गई है तो सरकार की मनमानी बढ़ी है। SBI ने FD पर ब्याज दरों में एक बार फिर की कटौती। एक समय था जब SBI में फिक्स डिपॉजिट करवाना फायदे का सौदा माना जाता था, मगर पिछले कुछ समय से आम नागरिकों को यह सौदा महंगा पड़ रहा है क्योंकि बार बार SBI FD पर ब्याज दरों की कटौती कर रहा है, जिसके तहत अब अगर किसी भी ग्राहक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD करवा रखी है तो उसे ब्याज पहले के मुकाबले अब कम मिलेगा। SBI के इस नए बदलाव के तहत अब 1 साल से 10 साल की अवधि के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज 6.25% के बदले 6.10% ही दिया जाएगा। हमने दिल्ली में उतारे अपने उम्मीदवार। 8 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हमने अदिति सिंह और पटपरगंज के शत्रुघ्न का नाम पेश किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 8 फरवरी को एक चरण में होने वाले चुनाव के परिणाम की घोषणा 11 फरवरी को कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चाहती है राजद का साथ। अपने खोए हुए अस्तित्व की तलाश में जुटी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ बनाने की होड़ में जुटी हुई है और कई राज्यों में सफल भी हुई है। इसी क्रम में अब राजद ने भी दिल्ली के विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए कांग्रेस से मदद की मांग की है, जिसके तहत अब राजद बिहार की ही तरह दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली में हमारी कोशिश यही होगी कि कांग्रेस और राजद मिलकर चुनावी मैदान में खड़े हो। हम पहले भी साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और सफल भी हुए हैं। तेजस्वी ने लिया भाजपा को आड़े हाथ।
हाल ही में योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर थे, जिसके तहत उन्होंने गया में एक सभा को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता बिहार में झूठ की खेती कर रहे हैं, योगी जी से तो यूपी तो संभल नहीं रहा, खामखा बिहार का दौरा कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी जैसे कानून के गलत होने के बाद भी भाजपा इसे सही साबित करने में लगी हुई है। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव का नया नारा, जहां एक ओर समूचे बिहार में अति हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया, वहीं इस बार लालू यादव के घर में शांति दिखाई दी, मगर यह शांति सिर्फ उनके आवास पर ही थी, क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक नया नारा गढ़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, दही चूड़ा खाएंगे नीतीश को हराएंगे। अब 15 किलो और ज्यादा वजन बढ़ाएंगी कीर्ति, बॉलीवुड में स्लिम ट्रिम का जमाना है, मगर इसके उलट अब कीर्ति सानन 15 किलो वजन बढ़ाने वाली है, लेकिन आपको बता दें यह वजन वो अपनी आने वाली फिल्म मिमी के लिए बढ़ा रही हैं। हमेशा कीर्ति को स्लिम ट्रिम अंदाज में देखने वाले फैंस को कीर्ति के इस नए लुक का बेसब्री से इंतजार है। अपने इस नए लुक के लिए कीर्ति खुद भी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान यह कहा भी है कि 15 किलो वजन बढ़ाना मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यह मेरे शरीर के लिए कुछ नया और अलग है। आईसीसी की रैंकिंग में रोहित और दीपक चाहर को मिला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। आईसीसी ने बीते बुधवार को साल 2019 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और शानदार गेंदबाज दीपक चाहर का नाम शामिल रहा, जिसके तहत सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्तान रोहित शर्मा को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं टी20 क्रिकेट में दीपक चाहर को परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो पैट कमिंस को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आइए हम बात करेंगे मनी प्लांट के महत्व के बारे में। अक्सर आपने कई लोगों के घर में मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे मनी प्लांट लगाने का सही तरीका क्या है। यह मान्यता है कि जितना ज्यादा मनी प्लांट हरा भरा होता है, उतना ही ज्यादा धन का आगमन होता है। इसलिए यह बेहद ही जरूरी है कि अगर आप अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी ठीक से देखभाल करें। इतना ही नहीं, मनी प्लांट के पत्तों का मुरझाना या सफेद होना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए समय समय पर सूखे पत्तों का पौधे से तोड़कर हटा दें। यह मान्यता है कि जितना ज्यादा मनी प्लांट हरा भरा होता है, उतना ही ज्यादा धन का आगमन होता है। इसलिए यह बेहद ही जरूरी है कि अगर आप अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगा रहे हैं तो उसे ठीक से देखभाल करें। इतना ही नहीं, मनी प्लांट के पत्तों का मुरझाना या सफेद होना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए समय समय पर सूखे पत्तों को पौधे से तोड़कर हटा दें। इसके साथ ही ध्यान रहे कि मनी प्लांट कभी भी जमीन पर फैला नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जमीन पर मनी प्लांट का फैलना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में अब तक के सबसे प्रभावशाली नेता कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।